नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखेंगे एक बार चार्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये सब चार्ट जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं डैशबोर्ड में यूज़ होते हैं दोस्तों, इसलिए हम ये चार्ट हम देख रहे हैं। दोस्तों, ये सेल्स बार चार्ट है। दोस्तों, सेल्स का बार चार्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और एक बात दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक्सेल में बार चार्ट सबसे आसान प्रकार के चार्ट में से एक है। हमारे पास प्रत्येक पैरामीटर के लिए कम से कम एक वैल्यू होनी ज़रूरी है। दोस्तों, बार चार्ट को फ्लैट रूप से वाई एक्सिस पर अपने आधार को रखते हुए दिखाया गया है। एक्सेल में बार चार्ट बहुत सरल और बनाने में आसान है। देखिए दोस्तों, हमारे पास अलग अलग सिटी के कुछ अलग अलग सेल्स है, इन्हें हमें बार चार्ट में शो कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम इस बार चार्ट को निकालते हैं, हम मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों, हम आपको क्या करना है दोस्तों, बस सिंपली इस डेटा को आपको माउस से सिंपली सिलेक्ट करना है और आपको इंसर्ट टैब के मेनू में जाना है। जैसे आपने मेनू बार में इंसर्ट टैब को प्रेस किया दोस्तों माउस से, तो आपको यहाँ पे चार्ट का एक ग्रुप दिखाई देगा। दोस्तों, इस चार्ट के ग्रुप में यहाँ पे जाने के बाद आपको 2D बार, ये ऐसा बार आपको दिखाई देगा। दोस्तों, बस आपको क्या करना है, सिंपली इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों, ये बार चार्ट आ गया। ये बार चार्ट जो है दोस्तों, इसकी जो कॉलम की लंबाई है, इससे आपको इजीली मालूम हो जाएगा दोस्तों कि कौन से सिटी का कितना सेल हुआ है। आपको बार की तुलना करने से ही मालूम हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये चार्ट जो है तुलना करने के लिए बहुत ही आसान है। आप इसे इजीली, आपको बहुत ही कम समय में मालूम हो जाएगा कि मुंबई और कलकत्ता, इनके बार की लंबाई ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों सिटी में अच्छा सेल हुआ है। देखिए दोस्तों, हम सिंपली से एक बार को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। माउस की राइट क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, ये जो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, देखिए ऐड डेटा लेबल, आपको सिंपली ये ऐड डेटा लेबल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो नंबर से दोस्तों, सिटी के सामने के नंबर्स, ये आपको उसी सिटी के बार के सामने दिखाई देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे अंदर जो कलर है दोस्तों, आप इस बार के कलर को चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, एक किसी भी एक बार को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद माउस की राइट क्लिक प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट डेटा लेबल्स में। हाँ, यहाँ पे लेबल्स है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, जो लेबल्स है उसके अंदर के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने ये कलर रख सकते हैं, फिर उसके अंदर आप उसे बॉर्डर भी देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ब्लैक साइन की बॉर्डर देता हूँ। ये नंबर का या डेटा लेबल का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग है दोस्तों। उसके बाद मैं ये अंदर की जो कलर की जो ये है ब्लू कलर दोस्तों, इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्तों। क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, आपको सिंपली सिलेक्ट करना है ये कॉलम, उसके बाद आपको करना है राइट क्लिक और आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट डेटा सीरीज़ को। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसके ऑप्शन या उसका बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको जाना है, ये फील एंड लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट फिल, इसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पे
प्रीसेट ग्रेडियंट्स में। इसे ओपन कीजिए और आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों ये वाला कलर। एक बार सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कैसे है। हमको डायरेक्शन चाहिए दोस्तों ये वाला, फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर। इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों सेल यहाँ पे आपको शो कर रहा है सेल कैसे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है दोस्तों कलर में। ये कलर जो है दोस्तों देखो ये वाला सिलेक्ट कर दीजिए, कलर्स में जाइए, हम इसे डार्क कलर देंगे दोस्तों ये वाला। इसको डबल क्लिक कीजिए, इसे भी देंगे हम ये वाला। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों बॉर्डर, इसके बॉर्डर को भी कलर कर देंगे सॉलिड रेड वाला कर रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा दोस्तों। क्लिक। देखिए दोस्तों ये आपको ये कलर का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ताकि यहाँ पे हमको सिंपली हमको एक इमेजिन भी करना है, एक इमेजिनेशन या विजुअली भी दिखाना है कि सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे चाहिए इसके लेबल्स, मतलब चेन्नई का कितना सेल हुआ है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 30, ये 30 नंबर यहाँ पे चाहिए। मैं क्या करता हूँ देखिए दोस्तों, सिंपली आपको इस बार को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल को क्लिक करना है। तो ये नंबर्स आ गए दोस्तों, इसको बंद कीजिए। ये नंबर का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों आप, कैसे देखिए, सिलेक्ट राइट क्लिक, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, चेंज डेटा लेबल शेप, हम देंगे शेप ये वाला। इसे कहते हैं दोस्तों स्पीच बबल ओवल। देखिए दोस्तों इसे आप मैन्युअली खींच भी सकते हैं। देखिए दोस्तों आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और इसके लेबल्स की भी कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये जो लाइन है इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। इस ग्रिड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन को हम करेंगे सिंपली डिलीट, वो भी कैसे, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का जो बटन है उसे आपको सिंपली प्रेस करना है, जाए चला गया। अभी दोस्तों यहाँ पे ही ये चेन्नई कलकत्ता, ये क्या है दोस्तों, ये है सिटी, तो हमको यहाँ पे एक एक्सिस चाहिए और यहाँ पे भी एक्सिस चाहिए। आपको सेलेक्ट करना है चार्ट को और आपको जाना है चार्ट के टूल्स में, डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन करना है ऐड चार्ट एलिमेंट को। उसके बाद एक्सिस टाइटल में आपको देना है प्राइमरी टाइटल, उसके बाद आपको देना है प्राइमरी वर्टिकल टाइटल। अब यहाँ पे दोस्तों ये है क्या है दोस्तों, ये नंबर्स अपने सेल्स के नंबर हैं, तो सिंपली इसको आपको सिलेक्ट करना है, लिखना है SALES। और ये जो ये क्या है दोस्तों, चेन्नई, ये है सिटी, इनको आप सिंपली सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए सिटी। अब सिटी जो नाम है दोस्तों इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है माउस से, फिर आपको राइट क्लिक करना है, जाना है फॉर्मेट एक्सिस टाइटल में, क्लिक कर दीजिए, ये है टेक्स्ट ऑप्शन, इसे क्लिक कर दीजिए, ये है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसे ओपन कीजिए और इसको सिंपली स्टैक्ड कर दीजिए, ये हो गया चेंज। अभी दोस्तों यहाँ पे सेल्स टाइटल जो है इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, सेल्स परफॉर्मेंस, आगे ये भी लिख सकते हैं सिटी सेल्स परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज देखा कि बार चार्ट कैसे बनाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।